तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे क्लास टेंथ मैथ के प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 को प्रश्न है, चारों प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इससे पीछे की वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करवाए थे, जो 8 को क्वेश्चन था, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 2 को पहला नंबर हम लोग सबसे सॉल्व करते हैं। कहा गया है कि इसमें कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। आपको द्विघात समीकरण के रूप में क्या करने के लिए कहा गया है? निरूपित मतलब केवल आपको दर्शाने के लिए कहा गया, मतलब ज़्यादा भारी है नहीं। देखिए, द्विघात समीकरण आपको बताए थे पहले वाला कि ax² + bx + c = 0, बस इसी के रूप में आपको निरूपित करके दिखा देना, ज़्यादा भारी है नहीं। आप यहाँ चिन्ह प्लस या माइनस हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर कहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर² है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो मतलब क्षेत्र की जो लंबाई है किसका, आयताकार भूखंड के, भूखंड मतलब एक धरती का टुकड़ा, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो शॉर्टकट में देखा जाए ना, तो एक आयताकार भूखंड है, एक आयताकार क्या है, भूखंड है। अब ये जो इसकी लंबाई है, यानी इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी से एक अधिक है, तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लंबाई और चौड़ाई को मानना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, पहले क्या मानेंगे, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई की दुगुनी है, तो सबसे पहले हमें चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी, तब हम लंबाई ज्ञात कर पाएंगे। तो हम मान लेंगे कि माना आयत की चौड़ाई बराबर क्या मान लेंगे, एक्स मीटर मान लेंगे, है कि नहीं, तथा आयत की लंबाई बराबर। आप कहें कि लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई के कितने से, दोगुने से, तो चौड़ाई कितना है, एक्स है। अब इसका दोगुना से दो, एक अधिक है मतलब एक जोड़ देंगे, इसको निकालेंगे तो क्या जाएगा, 2 × x, तो हो जाएगा 2x + 1 का 1, इतना मीटर हो जाएगा आपका, हो जाएगा लंबाई हो जाएगा। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। कहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से, तो चौड़ाई माने थे x, अब लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से, तो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो एक जोड़ दिए, अब 2x + 1 मीटर हो गया, है कि नहीं। तो पूछ रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी, तो आगे हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर², तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, यानी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ये आपको क्वेश्चन में दे रखा था 528 मीटर², ये आपको क्वेश्चन में दे रखा था। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई, और बराबर आपको दे रखा था 528 मीटर², 528 मीटर² दे रखा था। अब इसमें लंबाई का मान क्या है, देखिए यहाँ हम लंबाई का मान बैठा देंगे 2x + 1, ये आपका लंबाई का मान है। चौड़ाई का मान क्या माने थे हम लोग, x माने थे, चलिए x रख देते हैं, और 528 का 528 मीटर², यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसको गुना करते हैं, x को 2x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x, और ये प्लस 528 इधर आके -528 बराबर क्या हो गया, 0। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में कहा था कि द्विघात समीकरण के केवल रूप में निरूपित करना है, तो देखिए द्विघात समीकरण के रूप में तो हम निरूपित करके दिखा दिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ इसे आंसर लिख सकते हैं, इस हिसाब में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन कहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल दिया था 528, अब इसमें इसका क्षेत्रफल बैठाएंगे, गुना करेंगे, वो प्लस इधर आके माइनस, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 आपका समाप्त हुआ। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि 2 क्रमागत, अब क्रमागत माने क्या होता है, क्रमागत मतलब होता है भैया लगातार, जैसे गिनती कोई पढ़ता है लगातार पढ़ता है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा नहीं कि 1 2 5 6 कर देता है, ऐसा नहीं करता है, लगातार पढ़ता है, तो क्रमागत मतलब लगातार। धनात्मक मतलब प्लस वाला, पॉजिटिव वाला संख्या। पूर्णांक मतलब वो प्लस में होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4, ये सब क्या है, प्लस में है, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। देखिए पूर्णांक माइनस में भी होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में कहा है कि धनात्मक पूर्णांक, तो केवल आपको प्लस वाला लेना पड़ेगा, ठीक है।
का गुणनफल मतलब गुणा करने पर जो आता है 306 आता है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक, क्या को पूछा है, दो को पूछा है ना, तो मान लेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर, पहला धनात्मक पूर्णांक हम लोग मान लेते हैं x है कि नहीं, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर। देखिए यहाँ पर बहुत सा बच्चा कन्फ्यूज रहता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाएगा। अगर यदि मान के चलो हम गिनती पढ़ रहे हैं, तो पहला संख्या एक है, तो दूसरा संख्या निकालेंगे कैसे, दूसरा संख्या में पहला संख्या में एक जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा संख्या निकल जाएगा, तो उसमें एक जोड़ते हैं। तो जब इसमें दूसरा पूर्णांक निकालेंगे तो पहला पूर्णांक में क्या करेंगे, एक हम लोग जोड़ देंगे, तो आपका दूसरा पूर्णांक निकल जाएगा। और क्वेश्चन के अनुसार कहा है क्या कि इसमें दो पूर्णांकों का गुणनफल मतलब दोनों गुणा करने पर, तो यहाँ हम लिखते हैं प्रश्न से मतलब प्रश्नानुसार यहाँ लिख देते हैं हम लोग प्रश्न से। पहला पूर्णांक है आपका एक्स गुना, दूसरा पूर्णांक है आपका x प्लस वन, दोनों पूर्णांकों को गुणा करने पर कितना मिलता है हमें, 306 मिलता है। तो यहाँ लिख देंगे 306, ठीक है भैया। x और x को गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x को x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x, ये प्लस 306 इधर आके माइनस 306, तो बराबर कुछ नहीं तो क्या बचा, जीरो। और आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, तो देखिए हम यहाँ निरूपित करके दिखा दिए, अब यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन नंबर दो को सॉल्व किए। अब चाहे तो इसे नोटन कर सकते हैं या इसकी शॉट मार सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर को। तो चलिए तीसरा पार्ट में कहा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अच्छा, किससे बड़ी है, रोहन से। उनकी आयु वर्षों में ज्ञात करने के लिए कहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद 360 हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब सोच के देखिए, मेरी माँ हमसे 26 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब सबसे पहले आयु किसका निकालेंगे, मेरी। तो मेरी अगर मेरी साल अगर 5 साल है तो मेरी माँ की आयु कितना हो जाएगा, 31 वर्ष हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, यहाँ रोहन की माँ की आयु यदि दिया है 26 वर्ष, रोहन से बड़ी है, तो सबसे पहले मानेंगे रोहन की आयु बराबर। तो माना रोहन की आयु बराबर, रोहन की आयु बराबर, रोहन की आयु मान लेंगे हम लोग एक्स वर्ष, क्या मान लेंगे, एक्स वर्ष। तो उसकी माँ की आयु तथा रोहन की माँ की आयु बराबर रोहन की माँ की आयु बराबर। देखिए रोहन की आयु एक्स वर्ष है, तो उसकी माँ की कितना हो जाएगा, उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब x प्लस क्या हो जाएगा, 26 बड़ी है, तो 26 जुड़ जाएगा और छोटा रहता था तो घट जाता, तो x प्लस 26 वर्ष। आप क्वेश्चन में कहा है कि तीन वर्ष पश्चात यहाँ लिखेंगे तीन वर्ष पश्चात, तो सबसे पहले 3 साल पश्चात, पश्चात माने बाद, तो 3 साल बाद रोहन की आयु कितनी हो गई, तो यहाँ मान लेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगा, अभी रोहन की आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 जुड़ जाएगा। अब तथा रोहन की माँ की आयु बराबर कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु बराबर, पहले रोहन की माँ की आयु कितनी थी, x प्लस 26, अब से 3 साल बाद इसमें 3 जुड़ जाएगा, तो x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x का x 26 और तो 3 जुड़ जाएगा, 26 3 कितना हो जाएगा, 29, तो x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा 3 साल बाद रोहन की माँ की आयु। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब क्या हुआ, प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों के आयु का गुणनफल मतलब आपके रोहन की जो आयु है और उसकी माँ की जो आयु है 3 साल बाद वाला, तो 3 साल बाद इसी का आयु ये वाला है रोहन की और उसकी माँ का x प्लस 29 का गुणनफल माने गुना 360 हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया यानी कि 360 हो जाएगा, तो बराबर 300 क्या हो गया, 60 हो गया, ठीक है।
अब ये जो x है ये दोनों के साथ गुना होगा x प्लस 29 के साथ, तो हो जाएगा x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x को 29 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 29x प्लस 3 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x। अब ये 3 को 29 से गुना करेंगे तो 29 दिया हो जाता है 87 और ये प्लस 360 बराबर किधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 360 और बराबर उधर कुछ नहीं तो क्या बचेगा 0। आप देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, 29x और 3x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 32x। आप 360 में 87 घटेगा क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो घटेगा, तो 360 में 87 को अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 में 7 तो 3, यहाँ बचा 5, 1 बचा लिए 15, 8 तो 7, यहाँ बचा 2 का 2 तो बचेगा माइनस का 273। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ा मेरा 360 है तो माइनस में बचेगा बराबर 0 का 0। और आपको क्वेश्चन में कहा था कि केवल आपको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, तो द्विघात समीकरण के रूप में हम निरूपित कर दिए और यहीं पर आप लिख सकते हैं आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। अब चलिए हम लोग अगले स्लाइड में बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी लास्ट वाला क्वेश्चन को। तो चौथा पार्ट आज का लास्ट पार्ट है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब एक स्पीड से कितना किलोमीटर, 480 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। देखिए आप 480 किलोमीटर तय करना है, आप 8 किलोमीटर प्रति घंटा यदि चाल कम हो जाएगा तो समय तो ज़्यादा लगबे करेगा, तो 3 घंटा अधिक समय लगती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, तो मानेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटा में x किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में कहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो सबसे पहले देख करते हैं कि दूरी कितना तय किया है। तो दूरी कितना तय किया है, दूरी तय किया है 480 किलोमीटर। कितना दूरी तय किया है, 480 किलोमीटर दूरी तय किया है। ठीक है, अब हमें पता है कि चाल और दूरी जब दिया रहता है ना, तो हम साइंस में पढ़े कि समय बराबर फार्मूला होता है। समय बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यह एक फार्मूला होता है, दूरी बटे चाल ये फार्मूला होता है। तो दूरी है आपका 480 और चाल है आपका x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 480 बटे क्या हो गया, x हो गया। अब ये समय निकल गया, ये तो हो गया स्थिति नंबर 1 हो गया। आगे है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो यहाँ लिखेंगे यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो समय बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसानी से निकलेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 480 और चाल है आपका x, और पूछा है कि 8 किलोमीटर चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चाल में क्या है, 8 किलोमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 480 बटे x माइनस 8 किलोमीटर हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है, तो हम यहाँ लिखते हैं प्रश्न से, है कि नहीं, यानी प्रश्नानुसार। अब देखिए अब ये समय जो है ये दूसरा समय है और ये समय है पहला समय, तो हम बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो क्या करेंगे, दूसरा समय क्या है 480 बटे एक्स माइनस 8, और अब ये माइनस करेंगे 480 बटे एक्स, ये करेंगे, यानी पहला दूसरा वाला समय में दूसरा पहला वाला समय को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना समय लेती है, उसी समय को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ x माइनस 8 और ये x का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू x, ये इसका लघुत्तम हो जाएगा। ठीक है, देखिए x माइनस 8 से x माइनस 8 को भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, तो बचेगा आपका x, और ये x को 480 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 480x। अब बीच में यहाँ माइनस है तो क्या देंगे, माइनस देंगे। अब इसमें देखिए x से x को भाग देंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका कितना बचेगा, x माइनस 8, और x माइनस 8 को 480 से गुना करेंगे तो 480 को x से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 480x। अब 480 को माइनस 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, अब 8 से गुना कीजिए, 8 0 0 का 0 और 8 8 64 के 4 के हाथ 4 हाथ बाकी 6, 8 चौक 32 और 6 हो जाएगा 38, यानी 38 40 हो जाएगा।
और बराबर में क्या है, तीन है। पहले बात को यहाँ समझिए, यहाँ x से x को भाग दिए तो ये तो कट गया, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस आठ बचा, और इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे किसके साथ, 480 के साथ। यही बोला हम गुना करके यहाँ पर हम लिख दिए, चलिए कोई बात नहीं। अब इसको गुना करने के बाद यहाँ 480x का 480x लेगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस, और 480x का 480x, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब 3840 का 3840 और बटक नीचे है x माइनस आठ इंटू एक्स, ठीक है। अब 480x क्या है, माइनस में, और ये वाला 480x प्लस में। अब इधर बराबर में तीन का बराबर में तीन, तो अब यहाँ 3840 का 3840 रहेगा जैसे का तैसे। और देखिए यहाँ गुना करेंगे, x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आठ को x से गुना करेंगे तो 8x, और बराबर इधर 3 का 3, ठीक है। अब यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो इसे टेढ़ा टेढ़े गुना करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, है कि नहीं। और माइनस 8x को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 24x, बराबर 3840 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 3840। अब यहाँ 3x² का 3x² माइनस 24x का 24x, ये प्लस 3840 बराबर की तरह आके माइनस 3840। अब उधर कुछ नहीं तो क्या बचा, जीरो बचा। अब यहाँ से 3 3 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 3 कॉमन आया तो बचा यहाँ पर x² माइनस 3 के पड़े 8 बार में 24 आता है, 3 8 24, x का x। अब माइनस का माइनस, इसे 3 से भाग दिए, 3 1 3, 3 2 6, 2 बचा 24 हो गया, 3 8 24, 0 का 0 और बराबर 0। यहाँ x² का x² माइनस 8x का माइनस 8x और आपका हो गया माइनस 1280 बराबर। अब इधर 3 इधर गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में, और 3 से 0 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो बस आपका द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, रेलगाड़ी का चाल मान लीजिएगा, और दूरी तो दीवे किया है, और समय निकाल लेंगे दूरी बटे चाल, इस प्रकार से पहला समय निकल जाएगा। दूसरा हम बोला है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगा, तो इसमें 8 घटा देंगे, ये दूसरा समय निकल जाएगा, और दूसरा समय को पहला समय से घटा देंगे, पहला समय से तो बराबर 3 है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका समीकरण निकल जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हुआ। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के जो चारों पार्ट है, आप लोग चारों पार्ट को आसानी तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।